Citylive, a platform to sharing your thoughts. राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और टैसो की ओर से पहली बार 3 दिन का एक प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया। बेहद सफल रहा ये सम्मेलन और यहाँ पर देश भर के ट्रेडर, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर सभी लोग शामिल हुए और यहाँ कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ टैसो के प्रतिनिधि हैं और साथ ही राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता हैं, इनसे बात करेंगे। तो पहला आयोजन था और जिस तरह से जो उम्मीदें लेकर इसका आयोजन किया गया, क्या उसमें सफल हो पाए? देखिए, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का 38वां अधिवेशन है। हम लोग पहले बहुत अधिवेशन करते रहे हैं, हमने सोचा कि इस बार इस अधिवेशन की थोड़ी और गरिमा बढ़ाएँ, पूरा देश इसको जाने, इसी के लिए हमने प्रयास किए। यद्यपि इसकी जो नींव हमने रखी थी वो इस सोच के साथ रखी थी कि राजस्थान सरकार ने जो उद्योग कृषि उद्योग नीति दी है, उस कृषि उद्योग नीति का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान के उद्योगपति और व्यापारी उठा सकें, और हम इसमें कई हद तक सफल भी हुए हैं। यहाँ पर हमने आयोजित की एक टैसो से मिल करके, हमारे सुवीर जी हमारे साथ बैठे हैं, सुबोध जी हमारे साथ बैठे हैं और उनकी टीम भी बैठी हुई है। हमने एक तय किया कि आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ में एक बढ़िया एग्जीबिशन लगाइए और उस एग्जीबिशन में ये इस स्तर तक लगा होनी चाहिए ताकि अगर हमारा कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे बढ़े तो उसमें वो मशीनें यहाँ उपलब्ध हों, वो तकनीक यहाँ उपलब्ध हों, और इसमें भी हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। इसके अलावा हमने कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की। हम चाहते थे कि पूरे हमारे 247 मंडी के व्यापारी आएँ और यहाँ राजस्थान की आटा मिल के प्रतिनिधि, दाल मिल, तेल मिल, मसाला उद्योग और जिनिंग फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि यहाँ शामिल हों और उससे हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के साथ में आगे बढ़ें जो हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। राज्य सरकार ने हम कई सारी उम्मीदें इससे लगाई और उन्होंने इसी को मानते हुए जो राजस्थान का इंडस्ट्री विभाग है उसका लोगो और वो समर्थन और समर्थन के साथ में हमारे साथ आए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहला सेशन हमने आयोजित किया वो एक जनरल सेशन था और उस सेशन में सभी लोगों की समस्याओं को हमने सुना और उसके आधार पर हमने राज्य सरकार के पास में कुछ मुद्दे रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें आए और मुख्यमंत्री जी के साथ में हमने ये कोशिश की कि जो जो मुद्दे हमारे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित थे, कुछ उद्योग से संबंधित थे जो कई दिनों से लंबित थे, उनको विस्तार पूर्वक हमने मुख्यमंत्री जी को बताया और एक सकारात्मक के रुख के साथ उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की और ये कहा कि हम इस आप लोगों ने जितनी भी समस्याएँ और जो जो आपने सुझाव हमको दिए हैं वो सब बहुत ही सारगर्भित हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की कार्यकारिणी के साथ में हम शीघ्र ही एक बैठक करें और उस बैठक के बाद में आप लोगों की समस्याओं का समाधान करें और सुझावों का हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दुनिया को दे सकें ये करें। हमने ये भी सोचा था कि इससे किसान भी पूर्ण रूप से लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का एक बहुत बड़ा पार्ट किसान पर आधारित रहता है। हमारी जितनी भी कृषि विपणन समितियाँ हैं और कृषि मंडियाँ हैं, वो सभी का रोज़गार उस फसलों पर निर्भर करता है जो किसान उपजाता है।
किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हमारी कृषि मंडियों में हों, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे कैंटीन की व्यवस्था हो, या चाहे और अन्य तरह की व्यवस्था हो, जब किसान आए तो उसे महसूस होना चाहिए कि मैं एक बहुत ही अच्छे बाज़ार में मेरी कृषि उपज बेचने के लिए आया हूँ। ये इस बात पर भी हम काफ़ी सारे आश्वस्त हैं और इसका भी नतीजा हम देख रहे हैं कि काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में हमारे प्रतिनिधि वापस मंडियों में जाएंगे और इस व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारा उद्योग विभाग है, उस उद्योग विभाग के कई सारे संस्थान यहाँ आए और लोगों को समझाया कि किस तरह से आप लाइसेंस प्राप्त करें, किस तरह से आप इस जो एग्री कमोडिटी के लिए एक राज्य सरकार ने नीति दी है उसका उपयोग करें, चाहे वो रिको हो और चाहे दूसरे आरएफसी की व्यवस्था हो और चाहे दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं हों, उन वो सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ मौजूद थी। हमने एफएसएसआई की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी यहाँ की और काफ़ी सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया और मैं मान के चल रहा हूँ कि इससे जो एक नया आने वाला उद्योग है और जो पुराने उद्योग हैं उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हमने कई सारी व्यवस्थाओं में टैसो और हम दोनों ने मिलकर के की, एक अच्छा व्यवस्था देते हुए हमने ये सोचा कि राजस्थान के जितने भी उद्योग हैं वो अक्सर से कम मशीन की ओर बढ़ें, तो मुझे कई सारे फ़ोन प्राप्त हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई उद्योग लगाना चाहते हैं और आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डायरेक्टरियां हैं वो भी हमें उपलब्ध हो तो हम ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये एक दर्शाता है कि हमारी इस अवसर की इस जो हमने जो समारोह आयोजित किया है उसकी किस तरह से सफलताएँ अभी से परखने लगी हैं, तो ये पूरे भारत में फैलेगा, लोग आएंगे, निवेश करेंगे, राजस्थान सरसब्ज होगा। और इसके साथ ही हमने ये ध्यान रखा कि हम कुछ भाग इसका निरोगी राजस्थान के लिए भी करें और निरोगी राजस्थान के लिए हमने एक सेशन भी आयोजित किया और उस सेशन में लोगों को हमने बताया कि स्वच्छ रहने के साथ साथ आप निरोग रहना भी सीखिए, व्यायाम भी कीजिए और दूसरे योग के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहेगा राजस्थान तो निश्चित रूप से उद्योग भी अच्छा रहेंगे और इसी प्रकार जो हमारी थीम थी उद्यमी राजस्थान वो भी फलीभूत होती जा रही है। ये जो शो है ये न केवल राजस्थान के लिए बल्कि भारत की फूड इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसके अब पंख पसारना इसने चालू किया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी प्रदर्शनियाँ हैं और हमारे जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो उसका कई सारी स्टेट्स अनुकरण करेगी। अभी मेरे कई जगह से आए हुए भारतीय व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य इसका वर्णन भी कर रहे थे, इसकी विचार विमर्श भी कर रहे थे कि ऐसा शो अब हमें जगह जगह आयोजित करना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर हो गया है। हमारे साथ टैसो के सभी राजपुरोहित हैं। राजपुरोहित जी, पूरा देश में आपको काफ़ी अनुभव है इस तरह की एग्जीबिशंस का, यहाँ आपने पहली बार ये आयोजन किया और यहाँ देश भर के जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं, तो कैसा क्वेरीज रही, किस तरह के बुकिंग ऑर्डर उनको यहाँ पर मिले हैं, क्या कहेंगे आप? इंडो एग्री फूड शो बेस्ड ऑन एग्री एंड फूड इंडस्ट्री राइट, वेयर राजस्थान खाद्य व्यापार संघ इज़ देयर टू सपोर्ट अस, तो बाबूजी के आशीर्वाद से सारा कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसे संपन्न हो रहा है। और जहाँ तक रही बात यहाँ पे एडवाइज़र की या इंक्वायरी प्रोवाइडर की, तो राजस्थान खाद्य व्यापार संघ और हमारी जो नेटवर्किंग थी अक्रॉस द कंट्री उसकी वजह से काफ़ी अच्छा परिपूर्ण हुआ ये शो और पहली बार बिगिनिंग है राजस्थान में फूड इंटरनेशनल शो, इससे पहले नहीं हुए। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती है और बहुत अलग तरह के कृषि शो होते हैं पर फूड इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री पे फोकस नहीं हुआ, तो राजस्थान खाद्य व्यापार संघ और बाबूजी के आशीर्वाद से ये पहली बार संपन्न हो रहा है और बहुत अच्छा इनका नेटवर्क, इनकी मंडियों का नेटवर्क और इनके आशीर्वाद से सारा प्रॉपर वर्किंग हुआ। जहाँ तक इंक्वायरी इन प्रोस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो बहुत अच्छा ये इनको मिला है हमारे एग्जिबिटर्स को। सुबोध जी भी हमारे साथ है। सुबोध जी, ये पहला आयोजन था लेकिन क्या इसको अब माना जाए कि राजस्थान की जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसमें एक परमानेंट या एनुअल इवेंट इसको बनाया जा सकता है, किस तरह का प्रोत्साहन रहा, किस तरह का रुझान रहा? निश्चित रूप से हमने आगे भी इसके लिए प्लानिंग की है और हमारी प्लानिंग आगे रहेगी बाबूजी के सानिध्य में और बाबूजी के आशीर्वाद से ये संपन्न शो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और हमारी जो भी आगे प्लानिंग रहेगी हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे और उसके बारे में आपको
प्रॉपर बताएंगे। और हमारी हम आशा करते हैं कि जिस हिसाब का सहयोग आपने अभी दिया है वैसा ही सहयोग हम आगे चाहते हैं, ठीक है। और बाकी ये संग ऐसे प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे। कैसा रहा जिस तरह का आपने योजना बनाई थी, क्योंकि आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो उस तरह का स्वरूप इस पूरी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस का ले पाया? बिल्कुल, जो हमने प्लानिंग की थी 100% नहीं तो 99.99% तो हमारा सक्सेस रहा है। हर कम प्रोग्राम में छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है, और ये प्रोग्राम हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पे हमारे को सक्सेस मिला है, जिसमें चाहे विजिटर हो, चाहे एग्जीबिटर हो, चाहे बायर हो, चाहे डीलर हो, चाहे नेटवर्किंग हो, हर लोग ने यहाँ पे विजिट किया, हर लोगों ने यहाँ पे हमारे को सहयोग किया। एग्जीबिटर को उनकी इंक्वायरी मिली, व्यापारियों को उनको सम्मान मिला, व्यापारियों को यहाँ पे नए रोज़गार मिले, डीलर नई कंपनी को डीलरशिप मिली, तो हर जगह से संपन्न हुआ। इसमें कहीं नहीं कह सकते कि कोई हारा है कोई जीता, हर जगह से विन विन सिचुएशन है। जो भी आगे आया, जो भी यहाँ पर आया, उसको हर जगह विन विन सिचुएशन मिली, सबको सब फायदा हुआ, हर आदमी को यहाँ पे फायदा हुआ। और निश्चित रूप से हम ऐसे प्रोग्राम जयपुर में और भी प्लानिंग करते रहेंगे। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद जिस तरह से यहाँ राजधानी जयपुर में टैसो और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से एक कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन आयोजित की गई, और जिस तरह से इसमें देश भर के ट्रेडर, बायर, मैन्युफैक्चरर आए, भाग लिया, कई ज्वलंत मुद्दों पर यहाँ कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई, और एग्जीबिशन में जिस तरह से क्वेरीज और ऑर्डर बुकिंग्स मिले हैं, उसको सबको देखते हुए एक बेहद सफल आयोजन इसको कहा जा सकता है, और इससे आयोजक सभी उत्साहित हैं। कैमरामैन विनू सोलंकी के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। A platform to sharing your thoughts.